तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, बोकारो होमगार्ड में जितने भी लोग दौड़ का प्रिपरेशन कर रहे थे उनका डेट बदल गया है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दौड़ का डेट बदल गया है। अब आपका दौड़ का डेट सेम जगह पे ही होगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में ही होगा, लेकिन डेट बदल गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डेट क्या क्या बदला है। तो अभी तक इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आया है, बट ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में आ गया है और इनका जो ऑफिस के थ्रू कुछ आवश्यक सूचना मिली है। तो चलिए दिखा देता हूँ। वैसे बोकारो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ तक अभी भी कोई सूचना नहीं आई है, बस न्यूज़पेपर में आई है और ये आवश्यक सूचना आई है जो कि स्टाम्प मार के बोकारो की ओर से निकली हुई है। चलिए हम आपको देते हैं क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आवश्यक सूचना को पढ़ेंगे, उसके बाद डेट पढ़ेंगे कि किस प्रखंड में दौड़ आपका कब होगा, ठीक है, और लिखित परीक्षा वगैरह कब होगा। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इस बात पे गौर कीजिएगा। आवश्यक सूचना है, अति आवश्यक सूचना, इम्पोर्टेंट न्यूज या नोटिस जो बोलिएगा। गृह रक्षक नव नामांकन में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत बोकारो जिले में होने वाले गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड नव नामांकन की शारीरिक एवं लिखित जाँच परीक्षा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जो कि सेक्टर 4 में है, दिनांक 30/6 यानी कि 30 जून से आपका 10 जुलाई तक चलने वाला था, निर्धारित थी। अब क्या कर दिया है, थी, क्योंकि परंतु अपरिहार्य कारणों के कारण परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है। अब देखिए, डेट को बढ़ाया गया है, संशोधन किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड नव नामांकन कार्यक्रम दिनांक 20 जुलाई से शुरू होगा। अब दौड़ कब से शुरू होगी, 20 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में संपन्न होगा। 20 जुलाई को स्टार्ट होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। अब आपको जानना होगा कि यहाँ पे किस किस डेट को किस प्रखंड का है, ताकि आप अपने प्रखंड का निकाल पाएँ, और अभी मैं आपको बताऊँगा। आगे बोला गया है कि शारीरिक लिखित जाँच परीक्षा में सफल होने वाले तकनीकी श्रेणी के अभ्यर्थियों के तकनीकी ज्ञान व्यवहारिक परीक्षा दिनांक 16 अगस्त से 18 अगस्त तक होगी, ठीक है, जिसके परीक्षा केंद्र और विवरण की जानकारी बाद में समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। तो उसके नेक्स्ट डे आपको समाचार पत्र आ गया और समाचार पत्र में न्यूज आई है। चलिए मैं आपको समाचार पत्र का न्यूज दिखाता हूँ, और ये न्यूज कहाँ पर आई है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, दो न्यूज आई है, पहला आया आपका दैनिक जागरण में, दूसरा आया है आपका हिंदुस्तान में। दैनिक जागरण में आपका 29 तारीख के पेपर में आया है, पेज नंबर 12 या 11 होगा, और हिंदुस्तान में पेज 30 तारीख के पेपर में आया है, ठीक है। बोकारो जिला का ही पेपर देखिएगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का पेपर देखिएगा तो नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, आप किसी भी पेपर को देख सकते हैं, वहाँ पे बोला गया है और यही चीज़ सेम बोला गया है, मैं आपको PDF में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको वही चीज़ सेम चीज़ के समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बुलाया गया है कि आंशिक संशोधन यानी कि कुछ संशोधन परीक्षा कार्यक्रम में। अब देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है दौड़ की डेट, एक तरफ है आपका दिनांक और दूसरा तरफ है आपका प्रखंड, ठीक है। पहला है आपका 20 जुलाई से स्टार्ट है, इसमें है आपका बेरमो पुरुष महिला के लिए और चंदन क्यारी पुरुष महिला के लिए, दोनों का 20 जुलाई को होगा, ठीक है, सॉरी, बेरमो के पुरुष और महिलाओं के लिए और चंदन क्यारी के केवल महिलाओं के लिए 20 तारीख को होगा, ठीक है। फिर है आपका 21 तारीख को, तो 21 तारीख को केवल और केवल चंदन क्यारी के पुरुष का होगा दौड़। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे है फिर 22 तारीख को, 22 तारीख को चंद्रपुरा पुरुष और महिला दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, 22 जुलाई को पुरुष और महिला चंद्रपुरा के दोनों का हो जाएगा। 23 तारीख को देखिए, तो 23 तारीख में 50 पुरुष और महिला, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि क्लास 1000 एज 50 कितना है जी, 111 00, ठीक है, तो इतना है स्लैश देखें। फिर है आपका 50 महिला, वहाँ पे आपका देख लीजिएगा आप किस में आते हैं, 1001 से लेकर के 11100 के बीच में, और इधर आप लोग देख लीजिएगा किस में आते हैं उसको देखना है, ठीक है, उस डेट को आपका दौड़ होगा। 50 पुरुष और महिला के लिए जिनका क्लास रहेगा देख लीजिएगा अपना 1101 से लेकर के 12200 तक, ठीक है, 12200 तक। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका 50 पुरुष और महिला के लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट दिया गया है 25 तारीख को भी है 50 में, ठीक है।
ये तीन डेट आपका चास के लिए है 25 तारीख तक का, और यहाँ पे 13,074 तक है, 13,474 तक। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका चास, ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ तक। उसके बाद नावाडी का शुरू होता है, ठीक है। तो नावाडी का पुरुष का होगा 26 जुलाई को, 26/7 को, और महिलाओं का हो जाएगा नावाडी को 27 जुलाई को, 27/7 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो गोमिया, गोमिया में पुरुष का होगा किस डेट को, तो गोमिया में पुरुष का हो जाएगा 2 अगस्त को, 27 के बाद एक बार 2 अगस्त को है, ठीक है। 2 अगस्त को होगा पुरुष का, फिर महिला का हो जाएगा आपका 3 अगस्त को। नेक्स्ट है आपका जरीडी, जरीडी में पुरुष और महिला एक ही दिन में है, क्योंकि जरीडी में कम आदमी अप्लाई किया है, जिसमें कम आदमी अप्लाई किया है, जिसमें जिसके जिस प्रखंड से, उसका एक ही दिन में संपन्न कर दिया गया है, ठीक है। तो जरीडी प्रखंड में बहुत कम थे, यहाँ पे आपका पुरुष महिला दोनों को 4 अगस्त को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कसमार में देखिए, तो कसमार जिसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपका 5 अगस्त को है कसमार पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 6 अगस्त को है, 6 अगस्त को कसमार महिलाओं के लिए होगा दौड़, ठीक है। आगे देखते हैं पेट्रवास, तो पेट्रवार में भी कम आदमी ने अप्लाई किया है, इसमें आपका पेट्रवार पुरुष महिला दोनों का 7 अगस्त को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। 8 अगस्त को देखिए, तो 8 अगस्त में टेक्निकल यहाँ से शुरू हो जाता है, 8 अगस्त को गैर तकनीकी जो नॉन टेक्निकल हैं शहरी पुरुष और महिला, ठीक है, उनका हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा RNT कितना है जी, 10,001 से लेकर के एज 11,200 के बीच में है, फिर गैर तकनीकी यहाँ पे आपका देख लीजिएगा 12,400 के बीच तक गैर तकनीकी पुरुष, तो ये आपको गैर तकनीकी वाले बहुत कम होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉरी गैर तकनीकी वाले ज़्यादा होते हैं, तकनीकी वाले कम होते हैं, यानी कि टेक्निकल वाले, ठीक है। तो टेक्निकल वालों का 11 तारीख के है और 12 तारीख को है, बाकी जब आपको एडमिट कार्ड आएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि सफल तकनीकी दक्ष अभ्यर्थियों के लिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा। अब जो आपका स्किल टेस्ट होगा वह कब होगा, तो 16 अगस्त को हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है सभी विषय के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 16, 17, 18 दिया गया है, सभी विषय के लिए, सभी विषय के लिए, सभी विषय के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे लिखा गया है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो सेक्टर 4 में होगा, मैंने इसकी वीडियो भी दे दी है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की, आप देख सकते हैं कि फील्ड कैसा है वहाँ पे, ठीक है, अपलोड कर दिया है ताकि यार आप लोग को पहले से अनुमान हो जाए कि मुझे किस फील्ड में दौड़ना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, और जैसे ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको तुरंत अलर्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी झारखंड के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब आते हैं सभी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।